औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो प्रोग्राम है वो रूटीन से थोड़ा सा हट के है कि वैसे हम जुमा को और बरोज़ इतवार दो प्रोग्राम करते हैं, दो इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन कल एक ऐसा सानिया हुआ जोराबाद में, सॉरी कैदाबाद में, कैदाबाद सिटी में, कि जिसके ऊपर बात करना इतनी ज़रूरी मैंने समझी है कि मैं रूटीन से हट के आज आपके सामने जो है हाज़िर हो गया हूँ। चाहता हूँ कि शुरू जो है वो एक शेर से करूं। कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है मगर, कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है मगर, तेरी हर ज्याती से अनजान हुआ फिरता है। शब को शैतान भी मांगे हैं पनाहें जिससे, शब को शैतान भी मांगे हैं पनाहें जिससे, सुबह वो साहिबे ईमान हुआ फिरता है। हमको जकड़ा है यहाँ जबर की जंजीरों ने, हमको जकड़ा है यहाँ जबर की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ फिरता है। और आखिरी शेर और इंतहाई मारूफ शेर है, अक्सर लोग इसे पढ़ते रहते हैं। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का कि जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। हमने देखा अपने मुल्क पाकिस्तान में कि किस तरह शिद्दत पसंदी जो है वो दिन ब दिन अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है, और पर फैलाए हुए पूरे पाकिस्तान पे जो है वो छाती चली जा रही है, और इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और खसूसन जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, जिसमें आप किसी को भी तोहीन का मुर्तकिब करार दे के कत्ल कर दें और उसे मार दें और उसका गला उतार दें और सर तन से जुदा करने वाले जो है वो अल्फाज बोलना शुरू कर दें। और फिर इस पे होता क्या है कि कोई शख्स भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो बात करेगा हो सकता है कि कल को आप उसे भी तोहीन के जुमरे में डाल के उसे भी कत्ल कर दें। और आज मेरे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं, इब्ने हसन, उन्होंने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि कल उनके ऑफिस में जो जोराबाद में वाकया हुआ, जिसमें एक देवबंदी हमारे भाई बैंक मैनेजर, उनको उनके गार्ड ने सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि उन्होंने ये क्यों कहा है कि सुन्नत नमाज अदा करना ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम सिर्फ वाजिब नमाज की रकात जो है उन्हें पढ़ के वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाया करो। अच्छा, हद देखें इस ढिठाई की और इस बेशर्मी की कि सिर्फ इतना कहने पे उस बंदे ने उस बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या आपका मजहब, आपका मकतब इस कदर इंसानियत की जो है वो अगेंस्ट चला गया है कि आप किसी को सिर्फ सुन्नत पे बात करने के लिए, मुसहब पे बात करने के लिए, वाजिब पे बात करने के लिए आप किसी को कत्ल कर देंगे? अफसोस का मकाम है। क्या आपने तालीमाते कुरान नहीं पढ़ी हैं? क्या आपने तालीमाते मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं पढ़ी हैं? क्या असहाबे कराम का यही शेवा था कि किसी ने बात की नहीं है और उसे कत्ल कर देते थे? ऐसा हरगिज नहीं था। एक नज्म है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस कदर पस्ती का शिकार हो चुके हैं। नामूस के झूठे रखवालो, मेरे साथ मेरे मेहमान, मेरे भाई वकास रशीद साहब जो है वो भी तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ जाने से पहले ये नज्म जो है वो मुकम्मल आपको सुना दूं। वकास रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज हैं एक आपके? जी बिल्कुल खैरियत। मैं नज्म जो है वो बड़ी तेजी के साथ सुना के फिर आपकी तरफ बढ़ता हूँ। नामूस के झूठे रखवालो, बेजुर्म सितम करने वालों, क्या सीरत नबवी जानते हो? क्या दीन को समझा है तुमने? क्या याद भी है पैगाम नबी? क्या नबी की बात भी मानते हो? यूं जाने लो, यूं जुल्म करो, क्या ये कुरान में आया है? उस रहमत आलम ने तुमको क्या ये इस्लाम सिखाया? तवज्जो तलब बात है।
लाशों पे पत्थर बरसाना, क्या ये ईमान का हिस्सा है? इल्जाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मिट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर माओ की गोदें उजाड़ भी दो। तुमसे ना कोई सवाल करे, ना जुल्म को जुर्म ख्याल करे, इस देश में जो भी जब चाहे लाशों को यूं पामाल करे, लेकिन तुम इतना याद रखो, अब लम्हे फिक्रिया है, मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहूंगा कि इस बात पे आपने गौर करना है, लेकिन तुम इतना याद रखो, वो वक्त भी आखिर आना है जिसके नाम पे जुल्म किया उस जात के आगे जाना है, उस खूने ना हक को फिर वो मैजाने हशर में तोलेगा, वो सरवरे आलम मोहसिन जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सरवरे आलिम मोहसिन जान तुमसे इतना तो बोलेंगे, ऐ जुल्म जबर के मत वालो, तुम हक के नाम पे बातल हो, तुम वैशी हो, तुम कातल हो। ये जिनके नाम पे हम कत्लो गारत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं और सामने वाला जो है वो साबित करे कि वो मुसलमान भी है या नहीं, वो खुद तुम्हारे गिरबान में एक दिन हाथ डालेंगे और तुमसे पूछेंगे कि ये जो जुल्म तुमने रवा रखा था, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम्हें, मैंने कब तुम्हें ये कहा था कि तुम किसी को जो है वो नजरिए की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे और वाजिब और इसके अलावा जो है वो मुसब्बात और सुन्नत इन चीजों के ऊपर बात करने की वजह से तुम कत्ल कर दो। मैं चाहूंगा कि वकास रशीद साहब इससे आगे बात करें। बहुत शुक्रिया शाह जी। मुझे यानी कल से मैं ये समझता हूँ कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अदना सा छोटा सा एक उम्मती होने के नाते मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी जात, एक ऐसी शख्सियत कि जिनको एक अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर रहमतुल आलमीन बना के भेजा, उन रहमत बेशक लिल आलमीन, वो ऐसी हस्ती, ऐसी जात जिनकी हयात तैयबा, जिनके बारे में कुरान पाक में यह है कि उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और नमूना अमल उनकी जिंदगी से अगर किसी कोई भी सबक हासिल किया जा सकता है तो रहमत का, शफकत का, दरगुजर का, माफी का, लोगों को अमन 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 आमा का, सलामती का, एक ऐसी शख्सियत जिसको अल्लाह ने आलमीन के ऊपर रहमत बनाया, हम उनके लिए उनके नाम पे लोगों को मार रहे हैं, उन्हीं के नाम लेवा लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने ये फरमाया कि किसी मुशरिक की जान भी ना हक ली तो जन्नत की बू भी नहीं पा सकोगे, और हम एक ऐसे शख्स को महज किसी फिक्री इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर उसके बच्चों को यतीम करते हैं, उस घराने की उसकी कोई बेचारी जो उसकी उसकी बीवी को बेवा करते हैं, उसके माँ बाप का आखिरी उम्र का सहारा छीनते हैं, और बाद में इससे बड़ी यानी हम तो क्या कैसे अपने वो जो है वो अपनी सीनों को पीटें, कौन सा हम इस चीज के ऊपर मातम करें कि इतनी आलीशान नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, और कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि बाद में पता चले कोई जाती मखासमत थी, बाद में ये पता चले कि कोई बैंक से पहले 6 माह पहले निकाला गया था, उसका रंज था, उसका रंज यानी मुआशरे के अंदर कितनी बड़ी, ये हम जो पोर्ट्रे करते हैं अपने मजहब को बैरून ममालिक में, फिर हम लोगों से ये कहते हैं कि हम तुम्हें बाइकॉट करेंगे, हमें सोचना चाहिए बहैसियत फर्द, बहैसियत मुआशरा, बहैसियत उम्मत, बहैसियत रियासत, हमें सोचना चाहिए कि हमने ये क्या पुराने टोटका पाक कब्र। में वकास रशीद साहब, पुराने पाक में अल्लाह ताला जो है वो सरी ऐलान है, सरी पैगाम है कि एक इंसान का कत्ल ना हक, पूरी इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत का एक कत्ल, इंसान का कत्ल, ये नहीं कहा कि एक मुसलमान का कत्ल, वो इंसान फिर उम्मती हो जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कलमा गो हो, हाँ वो किसी मसले से तलग रखता है। आप ये भी सोचें कि अगर वो मुसलमान नहीं भी है तो क्या फिर भी आपको आपके इस्लाम ने, आपके मजहब ने ये इजाजत दे रखी है कि आप किसी को कत्ल कर दें? नजरिए की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, फिक्र की बुनियाद पे, इख्तलाफ राय की बुनियाद पे आप किसी को कत्ल कर देते हैं? इससे ज्यादा आपकी जहनी पस्ती क्या होगी कि सिर्फ आपका नजरिया इस शख्स से मुख्तलिफ है तो आप इसे कत्ल कर दो, और फिर आप उसे जिस तरह हीरो बना रहे हैं, कंधों पे उठाया हुआ है और आप उसे चाय पेश कर रहे हैं, और रियासी इदारे उसे जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम छत पे तशरीफ ले जाओ और वहां से खिताब करो, तुम तो बहुत बड़े जो है वो टर्जन बन गए। एक गैर मुसल्ला शख्स को तुमने
जिसकी हिफाजत के लिए गन पकड़ी हुई है, उसी को मार के तुम ये कह रहे हो कि मैं अल्लाह के रसूल हूं? तुम जैसे लोग सहाबा के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए और इस्लाम के लिए एक सयाह धब्बा हैं। तुम आज के रसूल नहीं हो, तुम इस्लाम के इस मुंह के ऊपर एक दाग हो जिसे जल्दी से जल्दी रिमूव करने की जरूरत है। अगर ना हटाया गया तो हमारा जो चेहरा पहले ही एक शिद्दत पसंद और एक दहशतगर्दों के तौर पे पूरे यूरोप में दिखाया जाता है, वो सरी तौर पे दिखाया भी जाएगा और ऐसी चीजें पेश भी की जाएंगी। जी बेशक विकास जी, बेशक। मैं शाह जी, कितना टाइम है मजीद आपके पास? जी, आप बात मुकम्मल कर दें, हम जाएंगे मैं 5-6 मिनट हो गया, वैसे खत्म करें क्योंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा रूटीन से हट गया, तो मैंने कहा कि मुख्तसर वक्त के लिए हम जो है वो लाइव जाएंगे। ये जो अभी आपने जैसे फरमाया ना, ये सबसे बड़ा लम्हा है, फिक्रिया है। हर एक इंसान को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि किसी इंसान के कत्ल को अगर इंसानियत का कत्ल कहा गया है, और हम ये मौसम इंसानियत के नाम पे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को, जो अल्लाह ने कहा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो उनकी जो हयात तैयबा है वो तो इस तरह के एक बाकमाल वाकयात से, इस तरह की एक इंसानियत की मिराज किस्म के वाकयात से भरी पड़ी है, जिसमें दरगुजर है, जिसमें माफी है, जिसमें लोगों ने कैसी कैसी तकालीफ दी, लहूलुहान किया। ताइफ की वादी का वाकया है, वो बुढ़िया के एक वो नौजबिल्ला घर का कूड़ा करकट फेंकने का वाकया है, उनको उनके घर से निकाला गया, हिजरत पे मजबूर किया गया, उनको उनको सोशली उनका बाइकआउट किया गया। कौन सी तकलीफ है जो इस कायनात के सबसे अजीम हस्ती नहीं सही? लेकिन उसके जवाब में जब फतेह मक्का पे एक फातह बन के आए, जब रियासत के हुक्मरान बन के आए, पहले तो ये कहा जा सकता है इख्तियार नहीं था, जब इख्तियार था, जब वो फतेह करके वापस 11 साल बाद तशरीफ लाए, तो एक इंसानियत के लिए एक एक रोजे रोशन की तरह एक बाकमाल एक जुमला कहा कि आज किसी से कोई जाती इंतकाम नहीं लेगा। ये इतनी बड़ी मिसाल है इंसानियत की। और वाकई जो रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे से हमें ये दर्श दिया, और हम उनके नाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ये लोगों को ये पैगाम देते हैं कि नाउज बिल्ला, जैसे ये उनकी तालीमात हैं, उनकी तकद्दस और उनके इश्क का तकाजा तो ये है कि वो इश्क हमारी जात में नजर आए, और जिस जात में वो इश्क नजर आएगा, वो जात हलीमुत्तबा होगी, वो माफ करने वाली होगी, वो जात दरगुजर करने वाली होगी। वो सोच भी नहीं सकती किसी को गजंद पहुंचाना, कि सारी जिंदगी नबुवत से पहले या नबुवत के बाद भी किसी शख्स को कभी गजंद नहीं पहुंचाई, कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कि दुश्मन भी आपको ये कहें कि इन जैसा सादिक और अमीन कोई नहीं है, इन जैसा नरम दिल शख्स कोई नहीं है, और कुरान के जैसा अंदर बाइखलाक कोई नहीं है, बिल्कुल बाखलाक कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी रियासत को हमें बहसियत, जैसे आप जैसे फरमा रहे हैं, जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, हर शख्स को, कल जो लोग जिन्होंने वो हाथ चूमे, जिन्होंने हार पहनाए, उनको अपने घरों में आज अपने आप को रसालत माब के सामने एक तस्वुराती तौर पे रख के सोचना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए कि आज एक मजलूम मकतूल जब वहां पे दरबारे रसालत में पेश हुआ होगा, और जब उसने ये कहा होगा कि सरकार आप जानते हैं कि मैंने आपकी कोई तौहीन रसालत नहीं की, आज मेरे बच्चों को आपके नाम पे यतीम किया गया, आज मेरे घर को आपके नाम के ऊपर बिल्कुल जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर दिएगा, और मुझसे मेरी जिंदगी ले ली गई, जबकि मैं भी आपका एक उम्मती हूं, मैं क्या आलम। चाहूंगा कि मैंने ये जो नज़्म सुनाई है उसका आखिरी शेर दोबारा पढ़ूं। कितनी अच्छे तरीके से इस शायर ने जो है ये बयान किया है कि वो शख्स, जब वो सरवरे आलम मोहसिन जहां तुमसे इतना तो बोलेंगे, एक ऐसा दिन आना है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुल्लाओं और इन झूठे और दगाबाज जो आशिक अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, इनके गिरबान में हमारे रिसालत माब ने हाथ डालना है और इनसे पूछना है, तुमसे इतना तो बोलेंगे ऐ जुल्म जुल्म और जबर के मत वालो, तुम हक के नाम पे बातल हो, ये तुम्हें हमारे आका ने कहना है कि तुम हक के नाम पे बातल हो, तुम वैशी हो, तुम कातल हो, तुम आज के रसूल नहीं हो। आज के रसूल जो होते हैं उनका ये रवैया नहीं होता है, बल्कि वो तो अगर उनको इश्क रसूल में कोई परेशानी दी जाए, कोई तकलीफ दी जाए,
तो वो उस शख्स के सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि सामने वाला शख्स कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए, वो आपकी हकानियत को तस्लीम करने पे मजबूर हो जाए। एक शख्स जो है वो शाम से आया और उसे शाम के उस वक्त का जो हाकम आला था उसने बहुत ज्यादा प्रोपगेट कर रखा था इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो जब वो पहुंचा तो उसने आते ही जो है वो गलीज किस्म की सबो शितम करना शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दी। इमाम हसन जो है वो बिल्कुल खामोशी से खड़े हैं और उसकी बात सुन रहे हैं और उसकी तोहीन को बर्दाश्त कर रहे हैं। और जब वो थक चुका तो उसने पूछा कि कैसे शख्स हो तुम, मैं तुम्हारी तोहीन कर रहा हूं और तुम खामोश खड़े हो। तो मौलाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि तुम दूर से आए हो, मुसाफिर लग रहे हो, अगर तुम्हें रहाइश की जरूरत है तो मेरा घर हाजिर है, तुम्हें सवारी की जरूरत है तो मैं तुम्हें सवारी देता हूं, अगर क्या तुम कहना, भूखे हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। क्या कहना, क्या वो कहना, शख्स हैरान हो गया कि ये कैसी शख्सियत है और मुझे क्या बताया गया था, और मुझे क्या क्या कहना। बताया गया था कि ये कैसे लोग होते हैं। वो तायब हुआ और माफी तलब की और उसके बाद उनसे पूछा कि ये क्या अमल है कि मैं आपके ऊपर सबो शितम कर रहा था और आप मुझसे खाना पूछ रहे हैं, सवारी पूछ रहे हैं, आराम करने की जगह का पूछ रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि वो तुम्हारी तरबियत थी, ये मेरी तरबियत है, मेरा क्या मजहब, मेरा खानदान, मेरा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। और एक हम है कि हमें किसी शख्स ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। एक ऐसी बेशर्मी है हमारे माशरे के अंदर कि हम हर चीज को मजहब का लिबादा उड़ा के उल्टा मजहब को बदनाम कर रहे हैं, उल्टा इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपगंडा जो है उसके हिस्सेदार बन रहे हैं कि देखिए जी इस्लाम तो जो है वो शिद्दत पसंदी का दर्स देता है, ये तो कत्लो गारत आपस में भी करते हैं, कल तक हम तकफीर कर रहे थे, एक दूसरे को काफिर करार दे रहे थे, आज जो है वो हम आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को कत्ल करने के लिए, और वो भी नामूस के नाम पे। यहाँ पे रियासत का क्या फर्ज बनता है? विकास सब हमें बताएं कि रियासत को क्या अहम किरदार अदा करना चाहिए, और जहां तक मेरी मालूमात है जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ यहाँ पे हारमनी की एक मुस्तकिल तौर पे वजारत होती है कि जो पूरे मुल्क के अंदर ऐसे प्रोग्राम ऐसी चीजें जो है वो मुनक्कद करती है, ऐसा लिटरेचर लाती है कि जिसके जरिए आने वाली नस्ल जो है वो शिद्दत पसंदी से पाक हो, अमन की बात करे, अखुवत की बात करे, बर्दाश्त करे एक दूसरे को, बर्दाश्त का माहौल बनाए। ऐसा हमारे मुल्क में तो कहीं नजर नहीं आता। शाह जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यानी रियासत की जो जिम्मेदारी है बहैसियत एक शहरी के, मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि आज सबसे बड़ा इस चीज़ का मौका है कि आज हमें ये जो इस एक सानहे ने, इस एक एक, एक ए, मैं एक इंसान नहीं कहूँगा बल्कि एक इस इंसानियत के कत्ल ने, जैसा कि आपने फरमाया, हमें ये वाजे कर दिया है कि रियासत हो, उलमाए दीन हो, आम शख्सियात हो, तमाम के तमाम जो है वो अपनी जिम्मेदारी का तयन करें। और रियासत की जिम्मेदारी का तयन सबसे बड़ा ये बनता है कि ऐसे ऐसे लोगों के अंदर ऐसे कवानीन रोशनास कराए जाएं, ऐसा लोगों के अंदर शऊर जो है वो उनको दिया जाए कि किसी भी सूरत में, देखिए कितनी बड़ी बदनामी है एक ऐसी जात की कि जो कायनात की सबसे मुकद्दस शख्सियत है, सबसे रहमदिल शख्सियत, और उनके नाम के ऊपर कत्ल किया जाए। तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है और उलमाए दीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों में ऐलान करें कि कोई भी शख्स किसी भी बुनियाद पे, कैसे भी, कि अगर किसी की जान लेगा तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी किस्म की। और रियासत ये ऐसे सख्त कानून बनाए कि लोग ऐसी ढाल ना बना सकें, इसको जो है वो बाद में जो है वो नाउज बिल्ला नामोस रसालत की आड़ लेके वो अपनी जाती जो है वो दुश्मनियां ना निकाल सकें। आज मैं तहरीरें भी पढ़ रहा था और मेरे कुछ दोस्तों ने लिखा भी और मेरी उनसे बात भी हुई, और ऐसे मौजू पे इससे बड़ा अलमिया ये है कि इस किस्म के दर्दनाक वाकयात हमारे माशरे में हो रहे हैं और कोई इस पे अपनी राय देने को तैयार नहीं है। यकीन माने कि कुछ दोस्त तो ये कहते हैं कि इस पे बात आप भी ना करें। क्यों ना करें? इसलिए ना करें कि कल को कोई आपको भी तोहीने मजहब के नाम पे कत्ल ना कर दे। ऐसा ही और है, ये बिल्कुल सिलसिला तब ऐसा तक नहीं रुकेगा जब तक आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे और लोगों को कंडेम नहीं करेंगे और लोगों के अंदर ये शोर बेदार नहीं करेंगे कि ये जो बात हो रही है हमारे माशरे में ये गलत है और इसका रास्ता रुकना चाहिए। क्योंकि बात नहीं करेंगे तो यकीनी सी बात है ये आगे बढ़ती चली जाएगी और इसका रास्ता रोकने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। बिल्कुल। एक छोटी सी नज्म मैंने इस सिलसिले में, जो आपने अभी बात की, इस सिलसिले में मैंने एक छोटी सी नज्म कही है। जी, मेरी तारीख में अलमिये हैं कई,
मेरी तारीख में अलमिये हैं कई, हादसे हैं कई, सानहे हैं कई, इससे बढ़कर कोई अलमिया ही नहीं, इससे बढ़कर कोई सानहा ही नहीं, कि जो आए यहाँ जिंदगी बांटने, चाशनी बांटने, रोशनी बांटने, उनकी बांटी हुई रोशनी चाशनी उनकी उम्मत में ही हाय छटने लगी, उनकी बांटी हुई रोशनी चाशनी उनकी उम्मत में ही हाय छटने लगी, उन्हीं के नाम पर मौत बटने लगी, उन्हीं के नाम पर मौत बटने लगी। मौत बढ़ने लगी। इसी पैगाम के साथ कि हकीकी मानों में अल्लाह ताला आपको, मुझे और तमाम देखने वालों को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के, अखुव्वत के, इखलाक के तमाम पहलुओं को पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कम अज आमीन कम तमाम इंसानों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और इंसानी जिंदगी कितनी अहमियत की हामिल है ये कुरान से पूछ लें, अल्लाह ताला की लारैब किताब से पूछ लें कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इसमें इस वक्त तमाम वो जो शिद्दत पसंद मुल्ला हैं उनके खिलाफ रियासत को जो है इकदाम करने चाहिए। और जो इतहाद वादत की बात करते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो इस्लाम का असल चेहरा रोशनास करते हैं, ऐसे तमाम उलमा को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। तमाम लोगों को बहुत सारी दुआओं, बहुत सारे प्यार और बहुत सारी अखुव्वत के साथ, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।